नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 9 और हमारा जो विषय है हिंदी। हिंदी में हमारी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 1, उसका अध्याय 13 सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित जो रचना है ग्रामश्री। पहले हमने अध्ययन किया था भाग 1 का, आज हम भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं कि उसमें किस प्रकार से गाँव में जो फसलें लहलहा रही है और सेम की जो फलियां है वो किस प्रकार से प्रतीत हो रही है लेखक को, मटर की जो फसल है किस प्रकार से उसे हंसती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसी का आज हम अध्ययन करें भाग 2 के अंतर्गत। तो जिसके अंतर्गत जो कवि है वो गांव की जो धरती है फसलों से हरी भरी लहलहाती हुई, तो उसे किस प्रकार अपनी ओर आकर्षित करती है और उसका जो रूप सौंदर्य है वो कवि किस प्रकार से हमें बताना चाहता है, तो उसी का आज अध्ययन किया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हम ग्राम श्री जो रचना है उनकी सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखी भाग 2। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में वाली। और रोमांचित क्योंकि रोमांच भरा हुआ है जो वसुधा है, वसुधा कहते धरती को, कि धरती जो है अत्यंत आनंदित हो रही है। अब आनंदित क्यों हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि देखिए जो और जो गेहूं है, अब ये फसलों के नाम ही है दोनों ही, जो और गेहूं, तो इनके ऊपर जब बाली आ गई है, बाली मतलब बल्लियां जो है जिसमें इनके बीज निकलते हैं, आपने देखा भी होगा जो बालियां हैं कि जो और गेहूं में बालियां आ गई है और उनका जो तूस है कि आगे का वो जो हिस्सा है नुकीला हिस्सा है, तो उसे देखकर जो वसुधा है वो धरती जो है रोमांचित हो रही है। अरहर की सनई की सोने की किंकिनियां है शोभा वाली। और अरहर और सनई जो है, सनई सन को कहते हैं, जो सन है ना उसको कहते हैं, ये पौधा है सन भी, और अरहर और जो सन है तो इनके ऊपर जो फलियां लगी हुई हैं तो वे भी सुनहरे रंग की हो गई है, अर्थात पीली हो गई हैं, और पीली होने की वजह से उनके जो बीज हैं, अब क्योंकि जो कोई फली है उसके अंदर आपने देखा होगा बीज है, अब जो पक जाती है, पकने के बाद बीज अंदर सूख जाते हैं तो उसको अपने जब हिलाते हैं ना तो आवाज आती है, तो किंकिनिया, अब किंकिनिया जो कहते हैं जो कमरबंद है यानी कमर के ऊपर बांधी जाती करदनी जिसको अपने कहते हैं, कि अरहर और जो सनई की जो पीले हो चुकी फलियां हैं वो ऐसे लगता है कि जैसे वो सोने की हो गई हो, और किंकिनिया है शोभा वाले, और वो करदनी जिस प्रकार से करदनी में लगे हुए घुंघरू बज रहे हैं तो उसी प्रकार से वो किंकिनियों के समान करदनी के समान वे सुशोभित हो रही है। कौन हो रही है, अरहर और जो सनई सन जो है उसकी फलियां। उड़ती भीनी तेलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली। अब देखिए कि तेलाक्त तेल से भरी हुई जो गंध है सुगंध है, तो चारों ओर वातावरण में पीली पीली सरसों के कारण से पूरा जो वातावरण है वो तेल की सुगंध से भर गया है। ऐसा लगता है कि जैसे चारों ओर तेल की सुगंध आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि सरसों जो है पीली पीली जो सरसों है वो पक चुकी है और हर तरफ जो है भीनी भीनी जो खुशबू है, मध्यम जो खुशबू है वह चारों ओर फैली हुई है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तिसी नीली। अब ये तिसी क्या है, अभी तिसी भी एक फसल है अलसी, ये फसल का नाम है ये, क्योंकि अलसी जो है उसके फूल नीले होते हैं, तो लो हरित धरा से झांक रही। अब कभी कहते हैं कि देखिए हरी जो धरती है उसके ऊपर से झांक रही है नीलम की कली, और नीलम की कली के समान बता दिए किसको, अलसी की जो नीली कलियां हैं उनको नीलम की कलियों के समान बता दिए, नीलम यानी नीले रंग का जो एक रत्न है उसके समान इसको जो है अलसी की कलियों को बता दिया है, कि हरी धरती के ऊपर जो नीली जो अलसी की कलियां हैं वे नीलम की कलियों के समान सुशोभित हो रही हैं। तो इसमें हर प्रकार से कवि जो है एक नई ऊर्जा, एक नए जो उपमान है उनको प्राप्त करता हुआ धरती की सुंदरता को किस प्रकार से हर कोई जो निहार रहा है, हर कोई बढ़ा रहा है, इसका वर्णन कवि ने इसमें किया है। तो इसमें अगर अपने अलंकार देखें, अब देखिए अलंकार के अंतर्गत जो पीली पीली शब्द है एक जैसा आ गया है, इसमें पुनरुक्ति हो गया, और साथ ही साथ इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, नीलम की कली तीसी नीली, अब नीलम की कली के समान बता तुलना कर दी, इसमें उपमा अलंकार भी अपने ले सकते हैं। तो इस प्रकार से
किस प्रकार से जो धरती है रोमांचित हो रही है उसके भाव को इसमें लक्षित किया गया है, जो आगे हम पढ़ रहे हैं इसमें जो पद्यांश कह सकते हैं कि इसका जो काव्यांश है, तो उसमें जो फूल है चारों ओर फूल खिले हुए हैं, तो फूल जो है रंग बिरंगे हैं और किस प्रकार से वे धरती को सुंदर बना रहे हैं, और जो तितलियां हैं वे भी उन्हीं फूलों के समान रंग बिरंगी हैं, जो कि हर प्रकार से ऐसे लग रहा है कि जैसे फूल जो है एक डाल से दूसरी डाल पर, एक डंठल से दूसरे डंठल पर पहुंच रहे हैं। तो इसी प्रकार से यहां पे उस समय के प्राकृतिक जो सौंदर्य है, जो दृश्य है, उसका वर्णन किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें रंग रंग के फूलों से रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। अब सखियां मटर, अब ये सखियां एक तो मतलब सहेली है इसका, लेकिन ये सखियां मटर जो है, अब ये सखियां मटर एक प्रकार का मटर है ये, कि इसके ऊपर नीले फूल लगते हैं मटर के, बाकी आपने देखा होगा सफेद रंग के फूल लगते हैं, इसके ऊपर नीले रंग के फूल लगते हैं इस सखियां मटर के। तो रंग रंग के फूलों से रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, कि रंग रंग के जो फूल है, तरह तरह के जो फूल है वे खिले हुए हैं, जिसके कारण से जो धरती है वो अत्यंत सुशोभित हो रही है, और हंस रही सखियां मटर खड़ी, और रंग बिरंगे फूलों को देखकर ऐसे लगता है कि जैसे मटर जो है अपनी सखियों को देखकर हंस रहा है, उसी प्रकार से इसमें प्रतीत हो रहे हैं कि जो सखियां मटर है वह हंस रही है। मखमली पेटियों से लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी। अब देखिए मखमली पेटियों से लटकी, अब ये छिमियां क्या है इसमें, अब छिमियां जो है ये भी किसी पौधे का नाम ही है, छिमिया सेम को कहते हैं, सेम फली आपने देखी होगी, ठीक है, फली होती है उसमें बीज होते हैं, राजमा जैसे बीज होते हैं उसमें फली में, तो सेम की जो फलियां हैं अब वे पक चुकी हैं, और ऐसे लग रहा है यानी कि सेम की जो फलियां हैं लगी हुई, उनके अंदर बीज भी हैं, छिपाए बीज लड़ी। अब छिमिया यानी कि सेम की जो बेल है उसके ऊपर लगी हुई जो फलियां हैं तो वह बीजों की लड़ियों के समान लग रही हैं, और ऐसे लग रही है जैसे लटकती हुई मखमल की पेटियां हो, मखमल की पेटी के समान जो प्रतीत हो रही हैं। फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर। आ देखिए आप फूलों का वर्णन इसमें कर दिया, पहले तो बेल है जो फसल है उसका वर्णन किया गया है, अब इसमें कवि जो कहता है कि रंग रंग के जो फूल है, तरह तरह के जो फूल है वो खिले हुए हैं, और उनके ऊपर जो रंग उसी रंग की, अब तरह तरह की जो रंग बिरंगी जो है, रंग रंग मतलब कि रंग बिरंगी जो है, रंग बिरंगी जो तितलियां हैं, तो रंग रंग की तरह अलग अलग रंगों की जो तितलियां हैं वे भी उनके ऊपर मंडरा रही हैं, उनके ऊपर उड़ रही हैं और घूम रही हैं, फूले फिरते हैं फूल सगे उड़ उड़ व्रंतों से व्रंतों पर। और व्रंत जो है ये पौधे का जो डंठल होता है उसको कहते हैं, यानी कि अग्रभाग है ना पौधे का जहां फूल लगे, तो उस डंठल को कहा गया इसमें कि फूले फिरते हैं फूल सगे उड़ उड़ व्रंतों से व्रंतों पर। अब फूले आनंदित हो रहे हैं, फूले फिरते हैं फूल सवे, अब फूल जो है वे स्वयं आनंदित हो रहे हैं, और ऐसे लग रहा है कि जैसे वे उड़कर, अब क्योंकि तितलियों के रूप में, अब तितलियां भी फूलों के रंग की हैं, तो तितलियां जब एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर जाती हैं, तो कवि देखिए किस प्रकार से कल्पना करता है कि मानो ऐसे लगता है कि जैसे जो फूल स्वयं ही उड़ उड़कर एक डंठल से दूसरे डंठल पर पहुंच रहे हैं। तो इस प्रकार से कवि ने कितना ही मनोहारी जो वर्णन है इसमें किया है कि तरह तरह की जो तितलियां हैं, रंग बिरंगी जो तितलियां हैं, जिस प्रकार के फूल खिले हुए हैं उसी प्रकार की तितलियां वहां पे चारों ओर उड़ रही हैं, और जब ये तितली एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर बैठती है तो ऐसा लगता है कि जैसे वह फूल स्वयं जो है आनंदित होता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रहा है। तो इसके अंदर अगर आपने देखें कि अलंकार जो योजना है, तो रंग रंग जो सुंदारा है इसमें बार बार, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और साथ ही साथ इसमें कल्पना की गई है, तो कल्पना कहां होती है, जानो मानो जनो मनो इस प्रकार के भाव रहते हैं यहां पे, तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार का भी इसमें प्रयोग किया गया है। अब अनुप्रास अलंकार का कैसे प्रयोग है देखिए इसमें, अब ये जो आ रहा है इसमें है ना, ये आ गया इसमें, तो इस प्रकार से एक ही वर्ण की आवृत्ति जब बार बार हो रही है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार रहता है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, और साथ ही साथ इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, उसका विवरण इसमें दिखाई देता है, जो सुंदरता है वो काव्य की बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार से सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित जो रचना है ग्रामश्री, तो उसके भाग दो का अध्ययन किया है, जिसमें फसलें किस प्रकार से धरती को सुशोभित कर रही हैं, और किस प्रकार से जो धरती की सुंदरता को
अलसी जो है अपने नीले फूलों के द्वारा निहार रही है, इसका वर्णन पढ़ा हमने। और साथ ही साथ हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से जो सेम है, सेम की जो फलियां हैं मखमल की पेटी के समान लटकती हुई प्रतीत होती हैं, और साथ ही साथ जो सखिया मटर है वह इस प्रकार से आनंदित हो रहा है जिस प्रकार से कि किसी वे अपनी सखियों को देखकर कोई आनंदित होता है। और रंग बिरंगी जो तितलियां हैं वे फूलों पर इधर उधर मंडरा रही हैं, जिसके कारण से ऐसे लगता है कवि कल्पना कर रहा है कि फूल एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने आप ही विचरण कर रही हैं और सुंदरता को बढ़ा रही है धरती की। तो ये था सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित ग्राम श्री रचना और उसके भागों का आज हमने अध्ययन किया है। आशा है कि आपको ये अच्छे समझ में आए होगा। धन्यवाद।